सारे लोग खड़े हैं रजिस्टर कराने के लिए, कुछ शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है आगे, मतलब होती रहती है पहाड़ों पे कि मतलब कोई बंदा अगर खो जाए तो पता चल जाए भाई किस पोस्ट से पहले खोया है। अभी अनमोल भाई गए हैं इनसे पूछने कि क्या रजिस्टर वगैरह का क्या सीन है, तो देखते हैं कोई फीस वगैरह होती है तो बताता हूँ। ये ब्लास्ट हुआ है आगे तो 1-1.5 घंटा भी लग सकता है शायद, अभी पूरा साफ होने में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वो भाई कह रहा है कि ब्लास्ट हुआ है आगे। नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, रजिस्ट्रेशन वाली ब्लास्ट हुआ है। तो अभी सब रुके हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे खाना भी नहीं होता हमारे पास। क्या खाएं भाई? चिंगम, चिंगम पड़ी तो आना, चिंगम खाते हैं। हो गए भाई, मतलब आज हम जल्दी निकले पाजी, किस्मत में नहीं है जल्दी पहुँचना। देखते हैं भाई, वो कह रहा है टाइम, मतलब जब तक रोड साफ नहीं होता तब तक नहीं चलेंगे। चलो देखते हैं भाई, हमारी सुरक्षा के लिए। गूगल मैप्स को तो पता नहीं चला यार। ये बुलडोजर लगी हुई है काम करने, और एक नीचे भी है, पत्थर नीचे गिराए जा रहे थे। वो पत्थर कितना बड़ा वाला उठा लिया उसने, उठा लिया है क्या? मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ से कैमरे में, मैं भी दिख रहा हूँ। नहीं नहीं, उठाया नहीं है, पत्थर दिख रहा है इसमें। तो धक्का दे रही है, है? धक्का दे के नीचे गिरा रही है। तो अभी लगेगा मेरे हिसाब से आधा पौना घंटा तो आराम से, है ना? वो उस तरफ भी गाड़ियां रुकी हुई है। तेरे को जल्दी है पबजी की, रुक जा, इतनी दूर है हमसे। चल ये रही अपनी गाड़ी, तो हम जा रहे हैं कोचिंग की। आ जाना मेरे साथ, आ जाना, ये मैं ऊपर हूँ, जहाँ ये पड़ा ये रहा, यहाँ पे जाना पड़ा। ये सब स्पिति वैली की जगह मिलिट्री बेस पहुँच गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भोपाल भैया नहीं खेल रहे, किसने फेंका? इस साइड से बंदा फेंक रहा है, कोई फेंक रहा है। ये भाई जाम खुल गया, लगभग 1.5 घंटा लग गया होगा जाम खुलने में। पहले उस तरफ आने वाले क्लियर करें, अब इस तरफ जाने वाले क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे वाला रास्ता ठीक मिलना चाहिए, तभी टाइम पे पहुंच पाएंगे, वरना तो मुश्किल लग रहा है। हमने खाया भी नहीं सुबह से कुछ, रिकॉन्ग पियो पहुँच के खाने का प्लान था, वो सारा ब्रेकफास्ट से लंच में तब्दील हो चुका है। कैसा लग रहा है भोपाल आपको? बहुत ही बढ़िया। यहाँ लगी हुई थी JCB, कर दिया लगभग क्लियर सा, तो पर वन वे ही बना। ये रही खड़ी अपनी चीती, चीता शब्द जो। चलो अब कर लो ना, थोड़े से अच्छे रोड आ गए हैं शायद। कितनी देर तक रहेंगे भोपाल तेरे हिसाब से? रहेंगे 3-4 किलोमीटर तक और। बहुत बड़ी बात है, 3-4 रह गए तो। ज्यादा उम्मीद रखी नहीं हमने। ये माइक अच्छा चल भी रहा होगा कि नहीं इसका? देख साइड में खाई भी बहुत गहरी गहरी हैं, मान बच जाएंगे क्या? ट्राई करके देख। बीइंग ह्यूमन नमो अगेन। लेकिन एक शॉट पे ट्राई करेंगे। हैं? रिकॉर्डिंग कर। तू बैठा अकेला होगा ना मान को इसमें। रिकॉर्डिंग में YouTube पे भी अपलोड करते हैं, टेंशन ना लेगा। चाय यात्री डॉक्टर चैनल से ना जाए, इसके लिए कुछ भी करेंगे। चाय यात्री डॉक्टर चैनल से ना जाए।
अचानक था गुजारी आए रात वे सची दस दर्जा बात वे चल दिलो जरा भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है मेरे को है मोपाल क्या कर रहा है नया बनने का इंतजार करेंगे पीछे भर रहा था एक नया वाला ओ भाई इट्स गॉर्जियस ओ भाई पहली बार जिंदगी ऐसे पुल में जा रहा हूँ सच में मौत के मुंह में से नहीं निकल रहे वो भाई पीछे वाली गाड़ी वाले रोक लिया पता है सही है समझदार है बंदा हमने भी तो रोकी थी पुल पे जब वो ट्रक जा रहा था लेकिन हमारे पीछे तब समझ आ गया ओ भाई ये एक्सपीरियंस लाजवाब था इन्होंने भाई यहाँ तो फट्टा भी नहीं है शेड हो रखा था में ये देखो इन तारों का भला हो जिन्होंने बांध के रखा हुआ इसे तो सामने व्यू देखो ये अकबा ब्रिज था मुझे ये हमारी पहली चेक पोस्ट मिली है जिला पुलिस किन्नो यहाँ पे सबका नाम भरवाया बस और चलो और पूछ रहे किस लिए आए घूमने आए थे स्पिलो में SPILLOW स्पिलो और यहाँ पे खा लिया खाना 500 रुपए में बहुत मस्त खाना खाया दाल और मैं रेस्टोरेंट बताऊँ तो वहाँ पे है उस तरफ मतलब आप आओगे तो आपके पड़ेगा राइट साइड पे नीचे जाके ठीक है और हमने पानी की बोतल कोक वगैरह सब ले ली 500 रुपए में बस तो खाना कैसा था भाई मान खाना कैसा था खाना ठीक था भैया तो चलो फिर चलते अब मैं पीछे बैठता हूँ मान भाई सब चलाएंगे गाड़ी और करते हैं अनमोल और मैं इंजॉय मोपाल भाई की शॉपिंग ये कोक वगैरह चिप्स वगैरह मोपाल भाई लेके आए हैं ये मिला अपना दोस्त हीलोज क्या खा रही है बिंगो टेढ़े मेढ़े फर वाला कुत्ता है इसको छेड़ू तो काट लेगा क्या नहीं इंजर्ड है रहने दो पीछे हट जा अच्छा इंजर्ड है ये हां पीछे चला जाएगा इसके पैर में लगी हुई है चलो कैसे पता लंगड़ा रहा है ना अभी हम कुत्ते को खाना इसलिए खिला रहे थे टेढ़े मेढ़े खिला रहे थे क्योंकि यहाँ पे है रास्ता बंद इस तरफ है बंद तीसरी बार बंद मिला है एक बार डेढ़ घंटा एक बार आधा घंटा और एक बार ये पता नहीं चल कर आया मेरा तो इस तरफ से कौन सी नदी जा रही है पक्की बात है सतलुज है ने कह दिया था गारंटी ले दिया वहाँ पे चल रहा है भाई अभी काम कितना टाइम लगेगा यार भाई मुझे तो लगता है ये थोड़े थोड़े पैचेस बनाते ही रहते हैं ऐसे रोक के हमें पार करवा के दोबारा लग जाएंगे जाम लगा हुआ था अभी अनमोल आके बताएंगे क्या हुआ था मोटू क्या हो गया था अनमोल आगे अरे आगे है ना वो इनका ट्रक वो बुलडोजर सा फंस गया था यार वो ट्रक के पीछे बुलडोजर नहीं होता हाँ। जिसके पीछे बुलडोजर का आम सा लगा होता है वो यहाँ फंस गया था अच्छा तो देख वो सामने देख सामने नहीं दिख रहा तुझे अच्छा उसको ट्रक उठा के ला रहा है नहीं ये मना कर रहा था कि मैं नहीं हटा रहा कौन वही ट्रक वाला अच्छा तो हम सारे गए कि भाई क्यों नहीं हटाएगा इतनी सारी गाड़ियां जब पीछे तक तू अकेला रुका हुआ है अगर पास ना होता तो फिर हम समझते ही है ना अब पास है तो भाई साइड कर अपना तो जब साइड करेगा ये क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हो सकती है अच्छा सारे लोग इसीलिए डर रहे थे कि भाई जल्दी हटाए इसे
पहुंचने वाले, कहां पहुंचने वाले हैं? इस पूरे ट्रिप एंड मॉल की फेवरेट डेस्टिनेशन है? नो ब्रो। ਕਿਆ ਪੈਰੇ ਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ। भाई ये तो शक्ल ही नहीं आ रही, इस तरफ से आएगी। हाँ तो 3 घंटे लग गए हमको जाम में, 3 जगह रास्ते बंद थे, 3 जगह ब्लास्टिंग साइट्स थी, तो वहाँ पे 1 जगह 1.5 घंटा, 1 जगह आधा घंटा और 1 जगह 1 घंटा लग गया। उसमें सारा वेस्ट हो गया और ये रात हो गई। टाइम कितना हो रहा है? 7:09 और हम अभी भी काजा से अराउंड 95 किलोमीटर दूर हैं। तो सोच रहे हैं क्या करना है। मैंने तो कहा भाई काजा ही ले लो क्योंकि आते वक्त इसी रास्ते से जाना है। तो नज़ारे तो मैं आपको आते वक्त अगली वीडियो में दिखा दूंगा। नज़ारे बहुत सुंदर है। नज़ारे नहीं अभी भी दिख रहे हों पर मेरे हिसाब से दिख नहीं रहे होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी। तो अभी देखते हैं कहाँ तक लगा पाते अपने मान पाजी के हाथ में कमान है सारी, क्योंकि मेरे को रात को थोड़ा दिखता, मतलब थोड़ा धुंधला दिखता, मेरी एक आँख थोड़ी कमज़ोर है, ये आपको पता नहीं होगा। तो चलते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, आपको होटल जाके पता चलेगा, क्योंकि रात को तो कुछ दिखेगा नहीं लाइट के, वो कार की लाइट के अलावा।